कोरोना वायरस की वजह से दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। झारखंड की सरकार ने भी कोरोना वायरस से बचाव के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। सरकार कोरोना वायरस से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान चला रही है। वहीं रांची के लोगों में भी कोरोना को लेकर जागरूकता देखने को मिल रही है। खासकर स्टूडेंट्स को भी ये बात समझ में आ गई है कि कोरोना वायरस कितना खतरनाक हो सकता है। एक ऐसा डिजीज है जो ऐसा कहा जा रहा है कि ये पब्लिक गैदरिंग से क्रिएट हो रहा है और ये हवा से क्रिएट हो रहा है, तो पब्लिक गैदरिंग को कम किया जा रहा है। इसके चलते झारखंड सरकार ने भी कल ही घोषणा की है कि पूरे राज्य में शिक्षण संस्थान 17 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक बंद रहेंगे, और इसके साथ ही शहर के सभी सिनेमाघर, पार्क, जू और जितने भी मॉल हैं, शॉपिंग मॉल, वो सभी 14 अप्रैल तक बंद रहेंगे। कोरोना है क्या, ये मैं जान पूछ रहा हूँ, कोरोना है क्या और कैसे फैलता है ये? कोरोना ये मतलब अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है, अगर वो नॉर्मल बुखार है या फिर वो खांसता है, तो अगर हम उसके पास हैं तो ये फैल सकता है। जब वो खांसता है तो अगर उसके संपर्क में हम आते हैं तो ये फैल सकता है, जैसा कि मुझे पता है। और इसका हालांकि रांची में तो अभी कोरोना का असर दिखने लगा है, बहुत सारे लोग अपने ऊपर मास्क लगा के चल रहे हैं, और हालांकि रिम्स में भी अभी बहुत सारे पेशेंट हैं, लगभग 33 केसेस हैं झारखंड में, जिसमें से 29 भी पॉजिटिव हैं शायद। वहीं एक छात्र ने बताया कि बाहर से घर आने पर हाथ धोकर ही कोई काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मास्क लगाकर भी कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। एक छोटा सा बीमारी है जो फैला हुआ है, हाथ जब भी घर जाए धो के खाना खाना चाहिए, और रोड पर चलने से पहले धो लेना चाहिए, और से अपना सेफ्टी आ रहा है। ठीक आ रहा है, अगल बगल ये ठीक खांसी ना पड़े, इसीलिए बहुत अपना सुविधा कहते हैं। वहीं किशोर नाम के शख्स ने बताया कि सर्दी, खांसी और जुकाम कोरोना वायरस के लक्षण हैं। उन्होंने कहा कि मास्क पहनकर और हाथ धोकर कोरोना से बचा जा सकता है। सर्दी खांसी वजह से होता है, इसका मेन लक्षण है सर्दी खांसी वजह से पाया जाता है, सर्दी खांसी जुकाम से बच रहा है। आपने ये जो लगा रखा है क्यों लगाया रखा है? इससे से बचाव के लिए। और क्या क्या बचाव के तरीके अपना रहे हैं? वहीं दीपक कुमार ने कहा कि चीन से आ रहे लोगों से भारत में कोरोना वायरस फैलने का खतरा है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार कोरोना वायरस का इलाज तलाश रही है। कोरोना जो वायरस है तो चीन में फैला, चीन में बहुत जानवर खाता था, मतलब अंदिना कौन जानवर हम लोग नहीं खाते, वो जानवर खाता था चीन वाला, उससे वायरस फैला, उससे वायरस से इंडिया में आया है, तो इंडिया गवर्नमेंट उसका इलाज खोज रहा है। हो सकता है इलाज मिल भी दिया होगा, हो सकता है एक दो दिन में मिलेगा भी, इससे कोई खतरा नहीं हम लोग को, जो चीन से आ रहा है उससे खतरा है, मगर हम लोग से कोई खतरा नहीं है। वहीं मुश्किल रजा नाम के शख्स ने बताया कि अभी तक झारखंड में कोरोना वायरस का एक भी मरीज नहीं मिला है। रजा का मानना है कि कोरोना वायरस को लेकर कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं। क्या है कोरोना वायरस? है एक वायरस है जो अभी हमारे झारखंड बिहार में कहीं नहीं है, ठीक है ना, ये अफवाह फैला दिया गया है। अभी एक भी मरीज हमारे झारखंड रांची में बिहार में भी नहीं पता चला कि कहीं पर कोई मरा हुआ है, ठीक है ना। अभी अफवाह फैला हुआ है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग ऐसे घूम रहे हैं। ठीक। वहीं रांची की सड़क पर मास्क पहनकर घूम रहे राजेश कुमार का मानना है कि कोरोना वायरस विदेश से फैला है। उन्होंने कहा कि मास्क पहनकर और हाथ धोकर इससे बचा जा सकता है। ये तो विदेश से फैला हुआ है, इटली से, आपका चीन से, विदेश से जो आदमी आ रहा है उसको वहीं पर रोक दिया जा रहा है। हम लोग यहाँ तो अभी झारखंड में नहीं है, इसके लिए मास्क पहनना जरूरी, हम लोग को भी बचाव के लिए पहले, जब जब मतलब कहीं से आए जाएँ तो हाथ धोना जरूरी है, मास्क पहनना जरूरी है, क्योंकि सुरक्षा रहना नहीं रहा, भीड़ भाड़ में नहीं रहना है आपको, यही कहना चाहिए। वहीं नरेंद्र पांडे ने बताया कि लोगों को रोजी रोटी कमाने के लिए तो घर से निकलना ही पड़ेगा। पांडे जी को ये लगता है कि झारखंड में
कोरोना वायरस का असर नहीं पड़ेगा। बचाव तो हर जगह बता रहा है, हर जगह ये है, लेकिन आदमी भी भाई आदमी का चलना फिरना अपना सतर्क नहीं रह सकता है। इतना लोग बता रहे हैं उतना करना संभव नहीं है। कहाँ कि रोज रोज आदमी कमाना खाना मोस्टली आदमी को ये संभव चीज नहीं है। हालांकि इसका असर बीमारी से ज़्यादा बातों से है और इसका लोग कर रहे हैं उपाय, जिनको समझ में आ रहा कर रहा है, जिस सोचते हैं कि नहीं है तो नहीं। कोरोना खंड में हमें नहीं लगता कि यह होगा। कोरोना है क्या, ये जानकारी है क्या है? जानकारी नहीं, इतना डिटेल्स नहीं जानते, लेकिन कोरोना ये वुहान से आया है, चाइना से, देश से, और चारों फैल रहा है, लोग मर भी रहे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें नहीं लगता कि झारखंड में इसका असर। ठीक। वहीं राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने भी आम जनता को मुफ्त में मास्क बांटा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता जितेंद्र गुप्ता ने रांची में लोगों के बीच मास्क बांटा। वहीं मास्क लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान कुछ लोगों ने मास्क छीनना भी शुरू कर दिया। गुप्ता ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए उन्होंने फ्री में मास्क बांटा है। कोरोना वायरस ये चीज है कि इसमें ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है और ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप प्रोटेक्शन लीजिए, अपने रोजमर्रा का अगर काम है जरूरी तो कीजिए और ज़्यादा इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाथ को धोते रहिए और मास्क जरूरी है, मास्क लगा के चलिए ताकि आप अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। इसलिए समझाया कि मास्क की आवश्यकता है, अगर मास्क आप पहन सकते हैं तो पहनिए। देखिए कालाबाजारी के लिए सरकार ने रोक लगाई है, वैसे उस लोगों को इस तरह का अगर कालाबाजारी करके पकड़े जाएंगे तो वो जेल तक हो जाने की होती है। इसमें जो मास्क बेचने वाला ये आराम से बेचे, लोगों को जरूरतमंद को मिले। करीबन 100 लोगों का अभी हमने सैकड़ों लोगों का मास्क बांटा है और इसे जागरूकता आगे भी लाओ कि लोगों को मास्क पहनना चाहिए, जाके गरीब तबके के जो लोग हैं जैसे रिक्शा चालक, ये लोग जल्दी इनको मिल नहीं पाती है, इसलिए इनको हमने आज वितरण किया और इनको ये भी समझाने की कोशिश किया कि मास्क पहने और अपनी सुरक्षा करें। जितेंद्र गुप्ता। कोरोना वायरस बेहद तेजी से फैलने वाली घातक बीमारी है। जागरूक रहकर और कुछ सावधानी बरतकर कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।